यहाँ का सबसे बड़ा विशेषता है कि साक्षात माता हैं। नौलखा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आप हैं, ये मनोकामना मंदिर है, यहाँ भक्तों के आंख से तांता लगना शुरू हो जाएगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। आज नवरात्रा की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्रा का आज पहला दिन है और देश भर में नवरात्रा की शुरुआत हुई है, और ऐसे में हम आपको आज एक ऐसे मंदिर के दिखाएंगे, नौलखा मंदिर, जहां पर भक्त ने अपने सीने पर एक तो नहीं बल्कि पूरे 21 कलश अपने सीने पर स्थापित किए हुए हैं। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से एक बुजुर्ग भक्त जो है वो अपने सीने पर एक तो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 21 कलश अपने सीने पर स्थापित किए हुए हैं। ये माता का चमत्कार है। यहाँ पर जो स्थापक है उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार और क्या कुछ विशेष यहाँ पर तैयारी की गई है, नवरात्रा को लेकर क्या कुछ होना है, और ये भक्त जो है जिस तरीके से ये अब पूरे 9 दिनों तक यहाँ पर मंदिर में इसी तरीके से लेटे रहेंगे। और आप देख सकते हैं इनके सीने पर 21 कलश जो है वो स्थापित हो चुकी है, और किस तरीके से तमाम जो भक्त हैं, भक्त भी यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं माता का दर्शन करने के लिए। पट खुलेगा फिलहाल, तो अभी पट माता का जो है वो लगा हुआ है, लेकिन इन भक्त को आप देख सकते हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं, इसके बावजूद भी अपने सीने पर 21 कलश को स्थापित किए हुए हैं। और ये कहीं ना कहीं जो है नवरात्रा जो है उसमें भक्तों का काफ़ी विश्वास होता है, 9 दिनों का ये पर्व होता है, लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। और हम जो स्थापक हैं उनसे अब जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार किस तरीके की तैयारी की गई है। ये बताइए कि जो अब नवरात्रा का जो त्यौहार है वो शुरू हो चुका है, पहला दिन आज है, और ऐसे में क्या कुछ तैयारी है, और ये जो बुजुर्ग भक्त जो है इनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नौलखा दुर्गा मंदिर के प्रांगण में आप हैं, ये मनोकामना मंदिर है, यहाँ भक्तों के आज से तांता लगना शुरू हो जाएगा। बाबा नागेश्वर अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर 21 कलश अपने सीने पर स्थापित किए हुए है, और इनका 27वां वर्ष है, और ये माता का ही आशीर्वाद है कि जिससे बाबा को कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ शक्ति की पूजा होती है और शक्ति में ही भक्ति है। यहाँ बिहार के कोने कोने से लोग भक्तगण आते हैं माता का प्रसाद और बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए। कुछ भक्त यहाँ रुक जाते हैं तो मंदिर की ओर से उनको रहने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, खाने पीने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, और भक्त खुशी खुशी यहाँ रहकर घर फिर जाते हैं। देखिए, इस मंदिर का इतना चर्चित मंदिर है कि आप देखेंगे तो बहुत सारे राजनेता में भी यहाँ से लोग आते हैं, और मन्नत मान मान कर लोग आगे बढ़े हुए हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत सारे हाई कोर्ट के जज लोग भी हैं जो प्रतिदिन आते हैं, खास करके पूजा में तो आते हैं। ये मंदिर बहुत चलते हैं, मनोकामना मानते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है, और जो सच्चे दिल से माता से मनोकामना माना है उनका पूरा हुआ है, आप भी मान के देख लीजिए। और जो इनका गलत विचार यदि मंदिर की ओर रखा है या माता की ओर रखा है, उनका कष्ट भी भोगने से पीछे नहीं हटते हैं। आपने बताया कि पिछले 27 वर्षों से लगातार ये कर रहे हैं, 9 दिनों तक ऐसे ही 21 कलश को अपने सीने पर लिए बैठे लेटे रहे। हाँ हाँ, ये देखिए, शक्ति की पूजा होती है, शक्ति में ही भक्ति है। ये बाबा का 27वां वर्ष है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं। जब ये उठेंगे ज्यो ज्यो पाँच तो पहला पूजा है, दूसरा पूजा, तीसरा पूजा, चौथा, वैसे वैसे बाबा उत्साहित होते हैं, माता का ही देन है। हम लोग फास्टिंग में रहते हैं तो हम लोग के कष्ट होते हैं, लेकिन बाबा का कोई कष्ट नहीं होता है। कुछ भक्त भी यहाँ पर, उन भक्तों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से, जैसा कि इन्होंने कहा कि 27 वर्ष से लगातार बाबा जो हैं इसी तरीके से अपने सीने पर कलश जो है वो स्थापित किए हुए हैं। ये बताइए कि इस मंदिर में आप कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम तो तीन साल से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? जहाँ बहुत अच्छा, लोग जो हैं लेट नहीं सकते, 9-10 घंटे तक ये लगातार 9 दिनों तक लेटे रहेंगे, किस कलश को अपने सीने पर स्थापित किए हुए हैं, क्या चमत्कार मानते हैं? हाँ, जो चमत्कार मानते हैं, इनका भी शक्ति है जी, शक्ति है, इसीलिए बहुत ये रहते हैं। और माता से क्या कुछ मनोकामना मांग रहे हैं, कितनी आस्था है? मनोकामना क्या मांगे, जो अपने से ये करते हैं, जो करते हैं वही ये है, मांगना क्या है जी, बिना मांगे ही माता से? हाँ, हम सब करते हैं। और भी भक्त इनसे भी जानते हैं, थोड़ा ये बताइए कि आप कितने वर्षों से इस मंदिर में आ रहे हैं? मंदिर में तो मेरा आगमन पहली बार हो रहा है, है ना? हम कंकड़बाग से आते हैं, राजेंद्र नगर, और ऐसे तो रहन सहन सब यहीं पर है, लेकिन संयोग है प्रभु का कि आज जो हम, आपने कभी ऐसा देखा है मतलब 21 कलश अपने सीने पर ये स्थापित किए? ये सब गुणगान, ये क्रॉसिंग पॉइंट से आना जाना, ये सब तो सारा इतिहास तो हम जानते ही हैं यहाँ का, और ये जो है
यहाँ का सबसे बड़ा विशेषता है कि साक्षात माता हैं जो हाँ सही मन सही दिल और अगर कांस्टेंट हो जाए इंसान तो उसकी मुराद पूरी हो जाती है और बहुत सुकून मिलता है, लगता है कि फिर दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, इससे बड़ा और क्या होगा। जो है सुनो लखा माता, हाँ माता माता का कृपा अपार है और माता का क्या कहा। आप देखिए अभी जो देख रहे हैं आप, जो 9 दिन तक जो है अपने रहेंगे और इनकी शक्ति पीठ दिन प्रतिदिन इनका अट्रैक्शन जो है बढ़ते जाता है। एक आदमी जो सोचता है कि ये होते जा रहा है तो वो नहीं है, ये जो है दिन प्रतिदिन है इनका और लास्ट में जाके इनको लगता है कि अरे पहले जो थे उससे भी आगे हैं। तो देखा आपने इस वक्त हम पटना के नौलखा मंदिर में हैं, जो नवरात्रा का आज पहला दिन है, देश भर में नवरात्रा जो है वो आज से शुरू हो चुका है। ऐसे में ये जो बाबा हैं जो कि पिछले 27 सालों से ऐसे ही अपने सीने पर 21 कलश को स्थापित किए रहते हैं और जिन भक्तों से यहाँ पर हमने बातचीत की उन भक्तों का साफ तौर से कहना है कि नौलखा मंदिर में जो लोग सच्ची आस्था के साथ आते हैं, माता से जो मांगते हैं मनोकामना मांगते हैं वो मनोकामना पूर्ण होती है और इससे ज़्यादा शांति और सुख का अनुभूति जो है वो और कहीं नहीं होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकेत कुमार।